भारत का संविधान भी यह कहता है कि किसी भी राज्य में एक समय पर सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार ऐसा भी हो चुका है जब एक साथ दो दो मुख्यमंत्री थे। दो मुख्यमंत्री बनाने के पीछे मायावती का पूरा दिमागी खेल था। खुद मुख्यमंत्री पद पर रहकर मलाई खाने के बाद एक ऐसा चक्रव्यूह मायावती ने रचा था, जिसकी वजह से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद सुलझा था। तो चलिए आपको तफ्तीश से बताते हैं कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। यह साल था 1998 और फरवरी का महीना था। देश में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे थे और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी थी। रमेश भंडारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और लखनऊ का विशाल राजभवन उनका आशियाना होता था। 21 फरवरी 1998 की तारीख थी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कल्याण सिंह चुनाव प्रचार के सिलसिले में गोरखपुर गए थे। उसी दरमियान मायावती लगभग 2 बजे अपनी पार्टी बसपा, अजीत सिंह की किसान कामगार पार्टी और जनता दल के विधायकों के अलावा सरकार का समर्थन कर रहे लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायकों के साथ राजभवन राज्यपाल रमेश भंडारी के पास पहुंच गई। मायावती ने राज्यपाल रमेश भंडारी से कहा कि ये सभी विधायक कल्याण सिंह सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जगदम्बिका पाल का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए आप कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाइए। राज्यपाल ने 21 फरवरी की रात ही करीब 10 बजे कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। जगदम्बिका पाल को आनन फानन में यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान राजभवन से लेकर शपथ लेने वाले लोग इतनी हड़बड़ी में थे कि शपथ ग्रहण के बाद रस्म के तौर पर होने वाला राष्ट्रगान भी किसी ने नहीं पढ़ा। 22 फरवरी 1998 को लखनऊ समेत यूपी के कई संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग हो रही थी। इधर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी राज्यपाल रमेश भंडारी के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि राज्यपाल रमेश भंडारी के इस फैसले से तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण भी खुश नहीं थे। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को पत्र लिखकर लखनऊ के घटनाक्रम और उसमें रमेश भंडारी की भूमिका पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताई थी। लेकिन असली ड्रामा तो लखनऊ के सचिवालय में हो रहा था। सुबह सुबह मुख्यमंत्री के चैम्बर पर जगदम्बिका पाल जाकर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ बर्खास्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी पहुंच गए, लेकिन कल्याण सिंह के पास सचिवालय पहुंचने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस वक्त संवैधानिक रूप से जगदम्बिका पाल ही मुख्यमंत्री थे। 22 फरवरी को ही कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह गौड़ ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कल्याण सिंह सरकार को बहाल करने की मांग की। याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जगदम्बिका पाल की सरकार को अवैध करार दे दिया और कल्याण सिंह सरकार को बहाल करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से बीजेपी में खुशी की लहर छा गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस बार सुप्रीम कोर्ट जाने की बारी जगदम्बिका पाल कैंप की थी। नए मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल और मायावती कैंप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी होने तक जगदम्बिका प्रसाद और कल्याण सिंह दोनों को ही मुख्यमंत्री के तौर पर माना जाए और दोनों को एक जैसा सम्मान दिया जाए। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का मतलब यह होता है कि दोनों मुख्यमंत्री एक साथ विश्वास प्रस्ताव रखेंगे और उस पर एक साथ वोटिंग होगी। वोटिंग में जिसके साथ ज्यादा विधायक होंगे उसे वोटिंग का नतीजा घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री मान लिया जाएगा। 26 मई की सुबह उत्तर प्रदेश विधानसभा में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। शाम के वक्त 425 सदस्यों के विधानसभा में मुख्यमंत्री पद पर जगदम्बिका पाल की दावेदारी खत्म हो चुकी थी। 225 विधायकों ने कल्याण सिंह के पक्ष में, जबकि 196 विधायकों ने जगदम्बिका पाल के पक्ष में वोट किया था। इस तरह से मायावती ने जो दिमाग लगाया, जो चक्रव्यूह रचा था, वो सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद फेल हो गया और कल्याण सिंह फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए।
इस घटना के कुछ ही हफ्तों के बाद लोकसभा चुनाव का नतीजा आ गया। 16 मार्च 1998 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया। इधर लखनऊ में राज्यपाल रमेश भंडारी को यह लग गया था कि अब अटल बिहारी वाजपेयी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी विदाई राज्यपाल के पद से तय है, इसलिए उन्होंने खुद ही राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। यह पहली ऐसी घटना है जब भारत के किसी राज्य में एक वक्त में दो मुख्यमंत्री एक ही पद पर तैनात थे। ऐसा कहा जाता है कि यह सिर्फ राज्यपाल रमेश भंडारी के जल्दबाजी में लिए गए फैसले का ही परिणाम था। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।